तो भाई गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम ऋषिकेश। ये ऋषिकेश से सेकेंड टाइम है जब मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट हो रहा है 6:09। मैं सुबह ना 4:30 उठ गया था क्योंकि मुझे हर्षिल को निकलना था, और 5:30 के आसपास यार मैं रूम से निकल गया था। लेकिन यहाँ के ना पेट्रोल पंप में भी जितने भी थे ना जो ऋषिकेश के अराउंड है, उन सब में पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था यार। ओह, यहाँ से टर्न लेना था। अच्छा, यहाँ से करते हर्षिल का रास्ता। हाँ, तो पेट्रोल पंप्स में ना पेट्रोल ख़त्म हो गया था। फिर बड़ी मुश्किल से मतलब 3-4 पेट्रोल पंप को क्रॉस करता हुआ मैं गया। उन्होंने कहा कि यार अभी तो पेट्रोल ही नहीं है। फिर उन्होंने एक जगह बताया कि वहाँ तुम्हें मिल जाएगा, तो फिर मैं वहाँ गया और वहाँ से पेट्रोल भरा के बस मैं निकला हूँ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ नहीं किया हुआ है। अगर स्पीड सही रही और रास्ते सही रहे तो ना सही टाइम पे पहुँच जाऊँगा मैं हर्षिल। फिर वहाँ जाके यार टेंट वगैरह भी लगाना है यार। ऋषिकेश में ना कल बड़ा बुरा हाल था यार। मैं सोच रहा था कि ना मैंने गलती कर दी। मुझे उससे बढ़िया तो टारगेट करना था, इससे आगे मैं निकल जाता अगर थोड़े स्ट्रेच करके ना टिहरी वगैरह, न्यू टिहरी, और वहीं पे रुक जाता तो वो ज़्यादा सही रहता। क्योंकि यार यहाँ पे ना बड़ी हालत ख़राब हो जाती है रूम ढूंढने के चक्कर में। अब हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है स्ट्रेट। थोड़ी स्पीड सही सही रखते हैं, आराम आराम से आते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं। अरे भाई साहब, करो करो योगा करो यार, करना चाहिए। हम तो साले करते ही नहीं है कुछ भी। तो यार एंजॉय करते करते आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अभी तो आगे सीनिक रास्ता जो है वो शुरू होगा, तो होपफुली सब सही रहे यार, ना कोई टेक्निकल इशू आए और ना कोई दूसरा इशू आए, और टाइम से हम हर्षिल पहुंच जाएं। ये पूरा ऋषिकेश है और काफ़ी सही भी आ रहा है यहाँ से ऊपर। तभी लोग आ रहे हैं ऊपर को यहाँ जॉगिंग करते हुए ना, जॉगिंग और साइकिलिंग। यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है और उधर वो शायद हरिद्वार होगा, उस तरफ हरिद्वार है, ये रहा ऋषिकेश। बीच में उतनी बड़ी गंगा बहती हुई, वाओ। और ये रही अपनी प्यारी बाइक, सामान सब सेट है, निकलते हैं आगे भाई। ये ETA दिखा रहा है 1247 का, तो 1247 तो सही है यार। तो ऐसा करता हूँ ना, स्टार्टिंग में जितना खींच सकता हूँ ना, ये जितनी अच्छी रोड मिल रही है इसमें मतलब ठीक ठाक चलाते हैं, कहीं रुकेंगे नहीं ज़्यादा। और फिर बाकी जो आगे वो ख़राब वाले रास्ते मिलेंगे ना, तो उनमें जो टाइम है वो सब कवर हो जाएगा। अभी तो अच्छी रोड है, काफ़ी अच्छा हाईवे है ये, मज़ा आ रहा है यार। ये मेरा सबसे लंबा ट्रिप है वैसे तो, फुल देखेंगे यार कितना। अब काफ़ी अनप्रिपेयर्ड हूँ यार मैं, मतलब ना मेरे को टाइम ही नहीं मिला कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने का। अभी भी मुझे ब्रेड वहाँ से ख़रीदूँगा मैं, उत्तरकाशी से। अब हर्षिल में देखो यार कितनी भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ को भी गए होंगे यार लोग, अगर ऋषिकेश तक आए हैं तो कुछ क्या काफ़ी गए होंगे, तो होटल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे फुल ही होंगे वहाँ भी। बट उसके लिए हमारे पास प्लान बी है, वी हैव अ प्लान बी। जहाँ भी रूम्स की दिक्कत हुई सीधे टेंट लगा लेंगे। और भाई इतना ठंडा हो रहा है ना अभी, एक तो ये पहाड़ के इस तरफ है, यहाँ पे धूप नहीं पड़ती है सुबह के टाइम पे,
तो यहाँ पे मतलब यार बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। मैंने इसके अंदर कुछ लाइनर वगैरह नहीं पहना हुआ है विंटर का। ओह माय गॉड, जल्दी धूप चाहिए भाई। एक तो सुबह सुबह भी हो रही है, अभी 7:30 हो रहा है। थोड़ा धूप आ जाए तो यार थोड़ी राहत मिले। अभी शायद यार टिहरी आने वाला है, टिहरी लिखा हुआ था 25 किलोमीटर पीछे। तो टिहरी और टिहरी डैम से होते हुए जाएंगे हम, जो न्यू टिहरी वाला है वो भी आएगा रास्ते में। बस यार अब अभी की जो परेशानी है ना वो ठंड है। गजब ठंड हो रहा है, गजब ठंडा। पता है जब मैं निकला था ना घर से, तो मैं ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में निकला था, क्योंकि वहाँ तो गर्मी हो रही थी बहुत। तो मुझे लगा कि यहाँ भी गर्म ही होगा। हर्षिल में मुझे लग रहा था कि ठंडा हो सकता है, तो अच्छा हुआ मैंने वो एक जैकेट रख लिया अपना, क्योंकि यार वहाँ पक्का ठंडा होगा। अगर यहाँ पे इस टाइम पे इतना ठंडा हो रहा है ना, तो वहाँ भी ठंडा होने वाला है तगड़ा। और वैसे ही उसका एल्टीट्यूड इतना हाई है। तो भाई ये चंबा टनल है, मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा आगे। ये दिख रहा है पूरा, ये पूरा चंबा है। सही है यार, पेड़ों के बीच में, पेड़ों के बीचों बीच घर, मस्त। बीच में ना इस रोड में ऐसे खराब पैचेस हैं। ओवरऑल अच्छी रोड है, बस बीच बीच में ये तोड़ रखी है। यहाँ पे भी चल रहा है वैसे काम ये, तो अभी कुछ महीनों में ही बन जाएगी शायद ये। यार अभी मैंने वाइजर ऑन किया ना हेलमेट का, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना एकदम ही। ये पूरा ऑफ रोड से कोई दिक्कत नहीं है यार, बस वो स्लैश वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ है थोड़ा सा वैसे, मुझे भूख भी लग रही है यार। देखो स्लश बोला, स्लश आ गया। यार रुकते हैं यार, भूख लग गई है, पूछ लेता हूँ। बना तो रहे हूँ पराठे वराठे। 8:36, अब शायद टिहरी आने वाला हुआ। अब ना मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीछे ना एक ढाबा मिल गया था, और वहाँ मैंने भाई दबा के 2 आलू के पराठे, बड़े बड़े एकदम, और साथ में मतलब जो भी था ना, मतलब दिल खुश हो गया, मतलब आत्मा तृप्त हो गई वो खाना खा के। वैसे कुछ ब्रेकफास्ट चाहिए था, वैसे कुछ ब्रेकफास्ट की ज़रूरत थी अभी। तो पहले क्रॉस कर लेते भाई। ओ स्लश, हाँ। तो उसने ना नाश्ते में 2 आलू के पराठे गर्मा गर्म, और राजमा, राजमा की दाल, 2 आलू के पराठे और राजमा की दाल बनी हुई थी, और साथ में वही चटनी और खीरा वगैरह और चाय। भाई मज़ा आ गया सच्ची में खा के। भाई कैसी रोड है ये। हाँ तो काफ़ी बढ़िया नाश्ता था यार, अच्छा हुआ किस्मत से दिख गया ये ढाबा मुझे। अब ना मतलब पूरे दिन भर का मामला सॉर्टेड है खाने में।
और अभी टेम्परेचर भी सही हो गया, सुबह से मैं ठंडी में चला रहा हूँ, तो थोड़ा ना नाश्ता करके शरीर में जान भी आई है। अरे बड़ा गंदा रास्ता है यार ये, ऑफ रोड से उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी स्लश से होती है यार, इसमें गाड़ी ना बड़ी स्लिप करती है। तो ऑफ रोड जितना मिले मिले, बस सूखा मिले। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, अब पहाड़ भी चढ़ा लो तो मैं चढ़ जाऊंगा बाइक लेके, क्योंकि थोड़ा एनर्जी आ गई है यार ब्रेकफास्ट करके ना। यहाँ पे इन्होंने रोक रखा है, कुछ काम चल रहा है इनका, रोड से ही कर रहे हैं। एक ऊपर भी चढ़ा हुआ है भाई भाई ये वाला ज्यादा खराब है। यहां मैंने ना एक छोटा सा ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे ये दिखा, ये टिहरी डैम ही होना चाहिए लेकिन इसमें पानी काफी कम लग रहा है। लेकिन यार क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है इसका, क्या बोलेंगे उसको, मतलब देखो यहाँ से खेत शुरू हो रहे हैं, फिर बीच में से ऐसे कट 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 करके पूरा पानी। इसके टायर कैसे हो गए, अरे गंदी भी बहुत हो गई यार ये। अभी 10:15 हो रहा है और हर्सिल है 124 किलोमीटर दूर। ओए ईटीए बता रहा है 2 बजे के आसपास। यहाँ पे एक सीन हो गया यार, यहाँ आगे एक लैंडस्लाइड हो रखा है खतरनाक वाला, जिसने पूरी बंद कर दी है रोड। और तो जितने भी लोग हैं ना वो इस रास्ते जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी जाता है उत्तरकाशी की तरफ, लेकिन ये मुझे खराब लग रहा है यार, इसमें थोड़ा अच्छे से चलना पड़ेगा। सीन हो गया भाई सीन। कोई नहीं, ये रास्ता सही हो बस यार, मतलब पूरा ऐसा तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। यार इस मौसम में कौन सा लैंडस्लाइड हुआ है यार, या तो कुछ कंस्ट्रक्शन का चल रहा होगा तो पूरा पहाड़ आ गया होगा नीचे। भाई एक तो होता है सिंगल रास्ता, ये उससे भी ज्यादा सिंगल है। एकदम ही सीधे खड़े हुए, यू टर्न भी नहीं है, वो वी टर्न बोलेंगे उनको, और ऊपर से कच्चे और पत्थर ही पत्थर पड़े हुए, इतनी आराम से ले आना पड़ रहा था ना, एडवेंचर हो गया भाई। अब नहीं चाहिए यार ऐसी, कम से कम ऐसी तो रहे वो तो भाई। जो खतरनाक वाला रास्ता था ना शॉर्टकट जो मारा था हमने, तो मैं उससे बाहर निकल गया यार, बहुत बहुत ही रिस्की टाइप का रास्ता था वो। और अभी ये सीधा सीधा आ गया, हाईवे पे आ गया हूँ मैं, और 36 किलोमीटर रह गया उत्तरकाशी यहाँ से।
अरे यार वो लैंडस्लाइड ने सब कुछ बिगाड़ दिया यार, वरना सीधा सीधा मैं अभी तक पहुंच भी जाता आराम से उत्तरकाशी। उस रास्ते के चक्कर में मैं करीब 1 घंटा पीछे, 1-2 घंटा पीछे तो हो गया हूँगा। जिस रास्ते से मैंने शॉर्टकट मारा ना, वो बोल रहे थे कि शायद 25 किलोमीटर का फ़र्क है उसमें, 25 किलोमीटर ज़्यादा था वो रास्ता, और ऊपर से ऑफ रोडिंग बड़ी गंदी थी, पूरा ऑफ रोड था वो, पतला सा एकदम। और कुल मिला के मतलब चलो, तो अब मैं सीधा उत्तरकाशी पे रुकूंगा और वहाँ कुछ कुछ जूस वूस पी लूँगा, और पेट्रोल भी भराना है मैंने। वो रास्ते में मैं पूरा फर्स्ट और सेकंड गियर में चढ़ा रहा था मोस्टली, तो उसकी वजह से तेल भी कुछ ज़्यादा फूक गया होगा इसमें। मैं पहुँच गया हूँ उत्तरकाशी, और पीछे से मैंने पेट्रोल भी भरा लिया, अब पूरा फुल टैंक है। और ये नीचे ना शायद उत्तरकाशी ही है जो दिख रहा है, नीचे बह रही है गंगा भैया। और टाइम हो रहा है 12:56 एग्जैक्ट, और ये बता रहा है कि यार करीब 3:30 बजे मैं पहुंचूंगा हर्षिल। मैं ना 1 घंटा करीबन लेट हो गया यार उस रास्ते की वजह से। ये नीचे ना पूरा उत्तरकाशी लग रहा है मुझे। अब उत्तरकाशी में मुझे 2 चीज़ें लेनी है, एक तो शैम्पू और एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड। जब तुम डाइवर्ट हो जाते हो अपने ओरिजिनल रूट से और कुछ घटिया से रास्ते में तुम्हें जाना पड़ता है, तो आइसक्रीम खा के वो मूड सही हो गया। अब जो है सीधे फॉलो करते हैं इसको। 77 किलोमीटर बता रहा है हर्षिल। उत्तरकाशी से मैं पूरे ही निकल गया हूँ अब, और ये एक मस्त सी रोड आ रखी है, तो बगल में प्यारी सी नदी बहती हुई। वाओ यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है यार, वाइजर खोल लेते हैं। कोतवाली मनेरी, स्टे सेफ। अच्छा वो आ गया आगे, मनेरी। अरे भाई भाई इतने फोर्स में पानी आ रहा है ना यार, सच में खतरनाक है यार ये। यूट्यूब में तो दिखता नहीं है उतना। ये रहा डैम, ये होगा डैम, और यहाँ से वो पानी छोड़ते होंगे उसके थ्रू। अरे वाह यहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा है, ये सब मैं आते टाइम दिखाऊंगा यार अच्छे से। अभी मैं चलता हूँ सीधा। अच्छा हर्षिल 26 दिखा रहा है यहाँ से। ये बिल्कुल ही पहाड़ कैसे काटे हुए, भाई कैसे काट रहे हैं पहाड़। ये कितना प्यारा सा लग रहा है यार व्यू। अच्छा ये जगह मैं पहचानता हूँ, ये जगह मैंने देखी है वीडियो में। एक्चुअली ना मेरा प्लान ना यहीं पे कैंप करने का था। एक यूट्यूब चैनल में मैंने देखा था, उन लड़कों ने ना वो बाइक पे थे, यहीं पे उन्होंने कहीं बाइक पार्क करी थी और यहीं आसपास कहीं कैंपिंग करी थी,
ये लोकेशन भी बहुत बढ़िया है कैंपिंग के लिए। ये जो अभी भाई मिले, ये अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भी लेके आ रहे हैं साथ में अर्चित। यार इसके लिए भी हिम्मत चाहिए भाई। हर्सिल वैली, वाओ। अरे यार ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं यार, एकदम क्रिसमस ट्री टाइप के। भाई क्या लोकेशन है यार ये, ना मैं जितनी भी लोकेशंस दिख रही है ना, वाओ कितना प्यारा लग रहा है ये पहाड़। अलग सा ये है, एकदम कांटेदार। क्या सुंदर वैली है यार। ये पहाड़ तो एकदम ही सीधा खड़ा है यार। ऊपर ऊपर क्या दिखाऊं मैं, ये देखो पूरे मुंडी ऊपर को करनी पड़ रही है। ओ तेरी, ये पत्थर देख रहे हो? ओ भाई एक सेकेंड ना। भाई ये पत्थर दिख रहा है, ये बस कुछ पत्थरों के सारे लटका हुआ है बीच में। और ऊपर यार कितना खतरनाक है ये पहाड़। मैं निकलता हूँ यहाँ से कहीं। ओ छत के ऊपर से पत्थर। भाई ऐसी चिल्ड हवा चल रही है ना, ऐसी चिल्ड हवा चल रही है। वाव वाटर क्रॉसिंग्स। हर्षिल रह गया यहाँ से अब 10 किलोमीटर दूर। और यार मैं एक व्यू दिखाता हूँ, कैमरे में आएगा तो आ जाएगा वैसे थोड़ा बहुत तो। ये ऊपर दिख रहा है पूरा बर्फ से ढका हुआ माउंटेन, कितना सुंदर लग रहा है यार ये, है ना। और नीचे नदी बहती हुई, और ये रोड इतनी प्यारी सी है, और ये यहाँ छोटा सा गांव आगे, है मज़ा आ गया। यार जैसी उम्मीद मैंने इस रास्ते के बारे में करी थी ना YouTube वीडियोस देख के, वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है यार। ये वीडियोस में तो कुछ दिखाते ही नहीं है लोग। ये इतना सुंदर रास्ता है ना असल में, बहुत सुंदर है यार ये रियल में। वाओ व्यू देखो यार, व्यू देखो। ये आगे वाला रास्ता गंगोत्री को जाएगा शायद। हम जाते हैं अभी फिलहाल हर्षिल को, क्योंकि हमें खाना है खाना, और जो कैंप ग्राउंड है वो ढूंढना है उसका रास्ता। भाई ठंड है इधर यार, ठंड है। यहाँ पे मार्केट भी होना चाहिए फिर ठीक ठाक। पेट्रोल का भी पूछ लूँगा मैं एक बार यार, अगर कोई ब्लैक में दे देता है ना तो मेरा भी काम बन जाएगा। पेट्रोल है वैसे अभी, लेकिन कल मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा घूम लूँ मतलब जगहों में, तो थोड़ा मेंटल पीस रहता है कि हाँ यार चलो बैकअप तो है।
ये कहाँ जा रहे हैं हम? स्लश में वाओ, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। वाओ, वाइब्स होती ना, वाइब्स जगह की, इस जगह की वाइब्स कमाल की है यार। यहाँ तो एक फोटो तो बनती है, लेकिन मैंने गलत साइड लगा दी, मुझे कोई नहीं, आज यहाँ खींच लेता हूँ, कल उस तरफ खींच लूंगा प्रेयर फ्लैग्स के पास में से। तो ये पेट पूजा भी हो गई यार। अब अभी मैंने मस्त एक ब्रेड ऑमलेट और चाय पी ली, एकदम पेट फुल, पेट भर गया। अब मेरे को कैंप साइट जाना है, कैंप साइट इधर है। काफी खतरनाक रास्ता भाई ये, एक तो भी ढलान है। तो ये शायद बगेरी है, बगोरी नाम है, कुछ अच्छे से याद नहीं है। ओए इसकी तो लगी पड़ी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। नहीं यहाँ तो नहीं जाना हमने। अच्छा एक और पुल है आगे, हमें इधर जाना है। ओह माय गॉड, मैं अभी ऋषिकेश से आ रहा हूँ। ऐसे वो ना मेन रूट में लैंडस्लाइड हो रखा था। अच्छा। तो एक बड़ा गंदा सा रूट था, कोई चंबा वाले रूट से आए थे तो लैंडस्लाइड हो रहा था। वो तो रूट कौन सा है यार, मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, शायद यही है। क्या चीज? हाँ मतलब चैनल वॉन्डरिंग बैकपैकर के नाम से अभी स्टार्ट किया है। अच्छा। कहाँ से हो आप? अच्छा ऋषिकेश से ही हो, मैं भी ऋषिकेश से आ रहा हूँ, बहुत भीड़ थी कल। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल। ये भागीरथी गंगा का ना पानी इतना ठंडा हो रहा था, मैं सुबह सुबह ब्रश वगैरह किया मैंने, तो मेरी हालत ख़राब हो गई यार। ये है कैंप साइट यार, मैं इसका व्यू नहीं दिखाया मैंने कल। तो इस तरफ तो कोई वॉल जैसी है और रास्ता बड़ा ख़राब है यहाँ आने तक का। और तो हल्की बाइक है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यार ये मेरी बाइक हैवी थी तो मतलब डर लग रहा था ला रहे में। ये पीछे जो दिख रहा है ना, जो मकान दिख रहा है, ये बगोरी विलेज है। और यार कितना सही व्यू आ रहा है, ये अभी सनराइज़ हो रहा है और वाओ पूरा लाइट अप कर रहा है ये पाइन ट्रीज और ये भागीरथी को। तो यार कल ठंड काफ़ी थी लेकिन मतलब अंदर टेंट के कुछ टाइम बाद सही हो गया था माहौल। और इतनी प्यारी नींद आई ना कल, मतलब इतनी अच्छी नींद तो मेरे को ऋषिकेश में भी नहीं आई जब मैं होटल रूम लेके रह रहा था। तो यहाँ पे बिल्कुल ही एकदम साउंड स्लीप, जैसी नींद की मुझे ज़रूरत थी ना बिल्कुल वैसी ही नींद आई। ये रही अपनी प्यारी बाइक यार, कितनी गंदी हो गई है यार, ये पूरे इसमें वाइट कलर के धब्बे पड़ गए हैं कीचड़ वगैरह के ना। इसको मैं साफ तो वहीं जाके करूँगा, लेकिन इसकी चेन की क्या हाल है, इसकी चेन मेरे को क्लीन करनी पड़ेगी। जो यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट टाइप का था, वहाँ मैंने कल ब्रेड ऑमलेट वगैरह खाया था तो काफ़ी अच्छा था। एक बार वो खुलता है ना, अभी तो 6:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा तो अभी बंद होगा,
तो 9 बजे के आसपास मैं इस कैंप साइट से निकलूंगा। इधर से भी ना एक रोड है यार जंगल के बीच से, यहाँ पे ट्रक्स के जो आर्मी के ट्रक्स हैं वो जा रहे हैं, और इस पॉइंट में भी कुछ है, घर वगैरह दिख रहे हैं, रिजॉर्ट्स हैं, पता नहीं क्या है। अभी धूप, जब धूप खिल रही है ना, और भी इतना प्यारा व्यू लग रहा है ये सारा। तो यार ये वर्थ इट है इस कैंप साइट में आना, और अपनी बाइक वाइक लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा रास्ता गड़बड़ है, तो थोड़ा आराम से आना यहाँ पे। तो यार काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस रहा, मतलब ये जो जगह है ना, इसको देख के मेरा पूरा मतलब मूड एकदम फ्रेश हो गया, जितनी थकान लगी हुई थी ना सारी एकदम गायब। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं ना, काफ़ी लोग घूमते घामते आ रहे हैं यहाँ पे एक कैंप साइट की तरफ, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वगैरह, अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी एक रीज़न ये भी है ना ट्रैवल करने का, नए नए लोगों से मिलते हो, अच्छा लगता है काफ़ी बातें करके। तो यही है फिर यार अभी की अपडेट, अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में क्या, मतलब एक दो घंटा रुकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब तक वो दुकानें नहीं खुलती तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं 9 बजे भी यहाँ से निकलूँ और 10 बजे के आसपास एक्सप्लोर करने के लिए निकलूँ बाकी, तो सही है, पूरे दिन में कवर हो जाना चाहिए।